समय की आवाज है। हम हमारी मांग है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मृत्यु का रहस्यमय अभी तक जो बाकी है उसको जनता के सामने सरकार उजागर करे। क्या ऐसे है, क्या आप चाह रहे हो उजागर करना? मतलब उनके मृत्यु का रहस्यमय उजागर किया जाए कि वो मर गए कि जिंदा है। अच्छा, हाँ, कि हम उत्तराधिकारी हैं बाबा जय गुरुदेव जी के, तो आप तो हम उत्तराधिकारी किसी को नहीं मान रहे क्योंकि बाबा जय गुरुदेव जी की बाणिया हमारे पास सबूत तौर पर हैं। उन्होंने कहा धरती आसमान पलट जाए और समुद्र सूख जाए, लेकिन मंच पर बैठ करके जो मुझ कुछ कहूँगा वो मेरा कोई एक भी शब्द कटने वाला नहीं है, और जब तक परिवर्तन हो जाएगा नहीं हो जाएगा तब तक मैं जाने वाला नहीं हूँ। ये सरकार और ये उत्तराधिकारी उमाकांत तिवारी और पंकज और ये मुंद्रिका सिंह, ये जो है स्पष्ट कर दें कि बाबा जय गुरुदेव जी के पिता कौन हैं। हम आज मिले हैं तो ये कहते हैं मुझको आदेश देके गया। पहले तो सरकार इनके कागज़ देखे, इनके पास कागज प्रमाण है वो देखे, फिर ये कहते हैं मुझे उत्तराधिकारी बनाया है। तो उत्तराधिकारी बनाया तो कोई आदमी जिंदा रहता है तो उत्तराधिकारी थोड़ी बनाता है, मरने के बाद ही उत्तराधिकारी होता है। हम तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जिंदा मानते हैं और बाबा जय गुरुदेव को जिंदा मानते हैं। वो हमारे पास प्रमाण, पहले इनके पास प्रमाण देखे गवर्नमेंट कि ये सत्य है कि नहीं सत्य है, फिर हम दिखाएंगे कि बाबा जय गुरुदेव कौन थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे, वो हम दिखाएंगे।